नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरुदेव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कितनी रैम है ये कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में कितनी रोम है, कितने जीबी का हार्ड डिस्क है, हमारा लैपटॉप कौन सी जनरेशन का है या हमारे लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर है, यह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें जिस पीसी पे जाना है, देखिए जिस पीसी, इस पे डबल क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ आप दिस पीसी पे आइए, राइट क्लिक कीजिए और ये देखिए ये प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, प्रोसेसर इंटेल 4i3 और ये रैम 4GB। अब हम जनरेशन को चेक करेंगे। तो देखिए अब हमें जाना है डिवाइस मैनेजर में, तो देखिए दोस्तों ये हमारा डिवाइस मैनेजर ओपन हो चुका है। अब हम ये सिस्टम डिवाइसेस लिखा है यहाँ, इस पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक। तो देखिए मेरे दोस्तों ये ओपन हो चुका है। अब नीचे देखिए ये 6th जनरेशन का मेरा ये लैपटॉप है, मोबाइल 6th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर ये लिखा है यहाँ, इससे आप ये जान सकते हैं कि कौन सी जनरेशन का है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमारे लैपटॉप में कितने जीबी की हार्ड डिस्क है। जिस पीसी पे राइट क्लिक कीजिए और ये इधर मैनेज लिखा है यहाँ पे, मैनेज पे डबल क्लिक कीजिए, ये ओपन हो रहा है, थोड़ा प्रोसेस में है। ये देखिए अब ये लिखा है डिस्क मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। अब ये देखिए ओपन हो गया, ये नीचे ये देखिए ये लिखा है 931.50 GB। ये 1 TB होती है लेकिन कंप्लीट नहीं देते, इतना ही होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।